रोहित शर्मा आज की डेट में भूला बन गए हैं। भूला T20 खेलते हैं 100 वनडे खेल रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, व्हाट अ कैप्टन, T20 में आके भूला यू हो रहा है, यू हो रहा है, दिख ही नहीं रहा अफगानिस्तान आ रही है सामने, भूला यार कितने रन मार चुके हैं भाई, हाईएस्ट स्कोरर आप बन सकते हैं। अच्छा आप रोहित शर्मा की बात करें, मैं सीरियसली मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूं, क्या रोहित शर्मा की जगह बनती है T20 टीम में? मैं मुंह पे मुक्का मार दूंगा। अच्छा मैं पानी पी रहा हूं। अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूं, पहली बॉल डक, पहले मैच में डक, रोहित शर्मा द सेल्फलेस, द सेल्फलेस, द केयरलेस, द होपलेस, आप मुझे बताएं डंके की चोट पे क्या रोहित शर्मा की जगह बनती है T20 टीम में, जो आदमी अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही चल रहा? नहीं बिल्कुल नहीं बनती है। इसमें हंसने की क्या बात है, उनका दिल टूटा हुआ है, वो हार्दिक से पंगे लेके बैठे हुए हैं, आप हंस रहे हैं यार आदित्य? नहीं यार अब नहीं हंसो, हंसो मत क्योंकि मुझे यार आप भी हाथ लगा के, मैं तो चुप हूं ना, आप बोलिए। देखो आज की डेट में वाकई में यार जिस तरीके से रोहित खेल रहे हैं, पहली बॉल और पहली भी हम बार बार बात कर रहे हैं कि यार वो आपका गेम है ही नहीं, आपको कितना समझाया जाए, कितना बताया जाए कि यार पहली बॉल तो कम से कम ध्यान से देख लो। पहली बॉल कम से कम का क्या मतलब है, लंबा खेल रहा है भाई, इंडिया इंडिया कैप्टन है वो, पहली बॉल तो कम से कम, क्या दूसरी बॉल मुझे चैन पड़ जाएगा तुझे? आज की डेट में पहली बॉल का भी भरोसा नहीं है। रोहित शर्मा आए क्रीज पे, अंतर आत्मा से हाथ जुड़ गए मेरे, मजाक नहीं है, जाके देख लो, लाइव मैच देख रहा हूँ, जैसे ही रोहित शर्मा आए मेरे अंतर आत्मा से, लोग मुझे हेटर बोलते ना, मेरे खुद ही हाथ जुड़ गए भाई प्लीज, मुझे पता था नहीं यही हाल होने वाला है, पहले से पता है मुझे। अच्छा मान लिया दो धारी तलवार है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन मारो तो हम बोलेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट मारे क्या बड़ा काम है, नहीं मारो तो और छितर पड़ेंगे, लेकिन यार ऐसे तो मत आउट हो, एटलीस्ट कुछ तो रन बना लो। रोहित शर्मा आज की डेट में भूला बन गए हैं, भूला, T20 खेलते हैं 100 वनडे खेल रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, व्हाट अ कैप्टन, T20 में आके भूला यू हो रहा है दिख ही नहीं रहा अफगानिस्तान आ रही है सामने, भूला यार कितने रन मार चुके हैं भाई, हाईएस्ट स्कोरर आप बन सकते हैं। अच्छा ये हाईएस्ट स्कोरर बनने वाले थे T20 में, एक बार दिखाइए पूरा स्कोर कितना है, रोहित शर्मा विराट कोहली से थोड़ा सा पीछे थे बट इनिंग्स बहुत ज्यादा है, बट हाईएस्ट स्कोरर बनने वाले तो और थोड़े हो जाएंगे, ये नहीं टोटल T20 स्कोर रोहित और विराट का, दोनों इनिंग में डकपे आउट हो गए, लोग रोहित शर्मा के फैन रेडी थे कि विराट आगे निकल जाएगा, हाईएस्ट स्कोर इन T20, पहले मैच तक दूसरे मैच तक भूला ये हो रहा है, उनको जगा रहा है विराट, जब आगे ना कुर्सी में बैठे हुए ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, विराट कह रहा है रिटायर हो जा कोई बात नहीं, हो गया टाइम, हो चुका है यार, इतनी फनी सीरीज मैंने नहीं देखी आज तक, जहां अफगानिस्तान का मन नहीं खेलने का, फिर भी हमारे कप्तान साहब ये हाल हो रहा है हमारा, विराट भी वैसे विराट को भी आउट नहीं होना चाहिए था, नहीं वो नवीनुल हक पे वो भी यार गलत बात है, और जबकि उसे मार रहे थे इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे, बट देखो विराट कोहली से यार जब आपकी इंदौर की विकेट इतनी पाटा है 172 आप चेस कर रहे हो, आपने ऑलरेडी 15 ओवर में गेम खत्म कर दी, यही उम्मीद थी कि आओ मारो जाओ, हालांकि वो 50 बना सकते थे पूरा अपना, और क्योंकि वो भी उनका थोड़ा सा यार अब आप ऐसे यार मैंने क्या बोला वो भी है ना, विराट कोहली भी 50 बना सकते थे, लेकिन विराट से कोई गिला शिकवा नहीं है, इनफैक्ट आज की डेट में उनसे गिला शिकवा क्यों नहीं आपको, इनफैक्ट नहीं यार उनको उनसे तो देखो उन्होंने तो अच्छा बाकियों से गिला शिकवा है, उन्होंने तो कुछ प्रूफ करना नहीं है, क्योंकि IPL में रन, T20 वर्ल्ड कप में रन, आज भी आकर उसे इंटेंट से स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन गिला शिकवा जिस एक प्राणी से है वो है हमारे कप्तान साहब, हालांकि मैं अपने आप तो ना आप करें ना, अपने आप से मैं अभी यही कह रहा था कि इनसे भी है गिला शिकवा, क्योंकि आज की डेट में अब कितना ही उनसे एक्सपेक्ट करें कितना ही ना करें, क्योंकि आज भी हालत ये हो गई, थोड़ी देर पहले मैंने बोला तीसरे T20 में भी कोई भरोसा नहीं है भाई, कर गए तो कर गए, नहीं तो वही चकना घड़ा भाई, देखो आज की डेट में सिंपल राइटिंग इज ऑन द वॉल, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देख लो आप, साथ में आप शिवम दुबे की बैटिंग देख लो, अभी आप ऋतुराज गायकवाड़ को चांस दे दो उसकी बैटिंग देख लेना, रिंकू सिंह को आप देख चुके हो, आज आपने तिलक वर्मा को ड्रॉप किया है, शुभमन गिल को ड्रॉप किया है, आपसे बेटर चल रहे हैं सारे, सही बात है, आप जिसको ड्रॉप कर रहे हो आपसे काफी बेटर है T20 में, स्पेशली रोहित शर्मा के लिए बोल रहा हूं, अगर आप विराट कोहली की बात करो उनसे बेटर सिर्फ सूर्य कुमार यादव की स्ट्राइक रेट, और सूर्य कुमार यादव ने उनसे ज्यादा रन मारे हैं, और कोई है ही नहीं इंडिया के लिए, और बड़े मैच में तो सिर्फ विराट और हार्दिक,
हार्दिक इंजर चल रहे हैं, सूर्या इंजर चल रहे हैं, विराट को आप बोल रहे हो बाहर निकालो किस बेसिस पे, और रोहित की टीम में जगह ही नहीं बन रही, सॉरी टू से लेकिन जगह नहीं बन रही भाई। आप तमाशे कर लो, आप जितना मर्जी फोर्स कर लो, जिन नहीं खेला जा रहा T20 तो नहीं खेला जा रहा भाई T20। शिवम दुबे, अब IPL आएगा तो आपको प्रूव करना होगा, IPL में क्या आप झंडे गाड़ लोगे? शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया भाई, नहीं गेम चेंजर। आज देखो ये तो इसको तो प्लेयर ऑफ द मैच तो मिलेगा ही मिलेगा। दो प्लेयर ऑफ द मैच का क्या मतलब है? प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज शिवम दुबे ले गया, जिसको आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं खिलाया। शिवम दुबे को आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं खिलाई और आप साउथ अफ्रीका नहीं लेके गए। आपने दो सीरीज लगातार शिवम दुबे को खिलाई नहीं, उसके बावजूद जब उसको मौका मिला अगेंस्ट अफगानिस्तान ही मिला, आप तो जीरो पे आउट हो गए ना, उसके अगेंस्ट भी उसने यहां पर इसको यशस्वी जायसवाल को भी अवार्ड मिल रहा है भाई। जायसवाल भी बड़ा तगड़ा खेला है, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज ले जा रहा है ऑलमोस्ट, अभी तीसरा मैच बचा हुआ है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है? तीसरे मैच में रोहित शर्मा रन मार देंगे 30-35, सब भूल जाएंगे। हिटमैन इंटेंट, हिटमैन द इंटेंट ऑफ द हिटमैन, द सेल्फलेस किंग हिटमैन। विराट कोहली को क्या मिल रहा है भाई? विराट कोहली को इस बात की ट्रॉफी दे रहे हैं स्ट्राइकर, ऐसे कुछ होगा स्मार्ट सेवर ऑफ द मैच, ये क्या होता है भाई? कुछ भी वो निकाल रहे कैटेगरी। विराट को भी कोई अवार्ड दे दिया और अब आप ये लेके आ रहे हैं भाई, जो लास्ट अवार्ड है वो अवार्ड मेरे ख्याल प्लेयर ऑफ द मैच, और किसको मिलेगा? दुबे ने विकेट भी लिए, हो सकता है जायसवाल, हो सकता है दुबे, रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच। टाइम ना वेस्ट करने के लिए, कुछ जल्दी आउट होगा, नहीं आया वो बात करने, बोला नहीं जा रहा, चेहरे पे मुस्कान है ही नहीं, मुस्कान नहीं, चेहरे पे गम, हाथों में खुजली, बदन पे पसीना और शक्ल पे नकली हंसी। तो अब कप्तान साहब क्या बोल रहे हैं ये भी देख लीजिएगा, बेचारे ने क्या बोला। अरे यार देखो बुरा तो लगेगा ही ना, आप जबरदस्ती फोर्स भी तो कर रहे हो ना, आपको खुद से डिसीजन लेना चाहिए था, आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए था कि मैं मेरिट पे रहूंगा, कप्तानी के चक्कर में नहीं रहूंगा। आप वहां पे BCCI ट्वीट कर रही है कि दोनों ने रिक्वेस्ट करा है भाई डक, ये इनका है पूरे रन विराट के। आज 150वां मैच भी था इनका भाई, आज 150वां मैच था मेरे ख्याल से, तो 150 मैच हो गए, 3853 रन से इतने ही रह गए रनों में, तो कोई पिछले दो मैच से इनके हो लग रहा था कि विराट कोहली क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन इतने ही रन रह गए भाई, है ना। तो बाकी भी जो पूरी स्कोर कार्ड है वो भी एक बार दिखा देना यार, मतलब धीरे धीरे इनकी अफगानिस्तान की बॉलिंग भी देख ले, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप तो यार, क्यों करे जा रहे हैं बस। ये देखिए फजल अक फारूकी 3 ओवर 28 रन, एक विकेट किसकी थी? हिटमैन। मुजीबुर रहमान 2 ओवर 32 रन और कोई विकेट नहीं, 16 कुटापा, पूरा कुटापा। नवीनुल हक 3 ओवर 33 रन और एक विकेट वहां पे मिली है नवीनुल हक को, तो पहले विराट ने। नूर अहमद को भी लपेटा गया है 3 ओवर 35 रन, मोहम्मद नबी 2 ओवर 30 रन, नबी को तो एक ही ओवर में 3 छक्के मार दिए दुबे ने। दुबे जब छक्के मारता है तो याद दिलाता है विराट नबी, नबी को तो दुबे ने ही पकड़ा है। करीम जन्नत 2 ओवर 13 रन है, 2 विकेट करीम जन्नत। तो भाई ये जरूर मैं बोलूंगा कि ये कोई बॉलिंग लाइनअप थी नहीं, खत्म खात्मा इनका हो गया, क्या है? अच्छा मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि अब ये जो ट्रिपल थ्रेट मैच चल रहा है इसके बारे में आप बताएं, इस पे जरा रोशनी डालें, और रेफरी विराट कोहली ट्रिपल थ्रेट मैच। देखिए हार्दिक, रोहित और शिवम दुबे ट्रिपल थ्रेट है। रोहित की परफॉर्मेंस नहीं जैसे मैंने बताया, हार्दिक की फिटनेस नहीं, और दुबे जी अभी अभी रन मारने शुरू है, बॉलिंग नहीं है उनकी इतनी अच्छी, लेकिन बैटिंग बढ़िया हो रही है, सीएसके के लिए बढ़िया बैटिंग करी, तो ये भी पॉसिबिलिटी के दोनों हार्दिक और रोहित ही बाहर हो जाएं। जायसवाल विराट ओपनर, कप्तान सूर्या, दुबे टीम में साथ में अक्षर, पॉसिबिलिटी है। नहीं अगर हार्दिक की फिटनेस है और वो ठीक खेल रहा है तब तो वो होगा, लेकिन रोहित के लिए मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। देखो रोहित तीसरे मैच में रन मार भी देंगे क्या प्रूव कर लेंगे बताओ, हालांकि अभी IPL पूरा पड़ा हुआ है, और अगर तीसरे मैच में रन ना आए फिर तो मेरे ख्याल खुद ही छोड़ देंगे वो, और IPL में किस मूड से वो IPL में हार्दिक के अंडर खेलेंगे रोहित शर्मा, या तो और अगर खेलेंगे तो कितने रन आएंगे जब अफगानिस्तान ही नहीं खेला जा रहा। अक्षर पटेल है भाई प्लेयर, अक्षर पटेल है जी प्लेयर ऑफ द मैच, बॉल से अच्छा कराया, 4 ओवर में 17 रन देखा, 4 ओवर में 17 रन और 2 विकेट ली थी, जहां 2 विकेट और जहां ऐसी विकेट जहां तो हर कोई मार रहा है टांग रखी। अच्छा अक्षर पटेल इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी लास्ट 2 मैचेस में लगातार प्लेयर ऑफ द मैच थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में चुने नहीं गए, वहां पे वाइस कैप्टन बन गए रविंद्र जडेजा। इनका देखो सिलेक्शन प्रोसीजर ही भूला है सिलेक्शन वाले, ये कभी भी उठता है कोई भी डिसीजन ले लेता है। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन बन गया बाहर हो जा, ये अक्षर पटेल बन गया बाहर हो जा, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन नहीं लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच बन गया लगातार 2 बार बाहर हो जा, रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन बनाया बाहर हो जा, किसी को भी कभी भी लाते हैं बाहर कर देते हैं। अफगानिस्तान से भी जीत के हंसी आ रही है कि हो क्या रहा है, नहीं अफगानिस्तान से जीत के कोई जश्न तो मनाया नहीं जाएगा, बाद में आपको हंसी आनी है, और जिस तरीके से आपने खेला पहले ही बोला कि अगर आपको हंसना है तो आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो करें डीपली और हमें भी देखें,
हम आपको पूरी बता देंगे कि कहां पर आपको हंसना है, कहां पर आपको रोना है, कहां पर परेशान होना है, कहां पर आपको एक्चुअली में सेलिब्रेट करना है। ये कोई सीरीज थोड़ी है सेलिब्रेट करने सुपर चैट भी सारी दिखा वो तो आपको विराट कोहली रोहित शर्मा आ रहे थे तो आपको ज्यादा इमोशन से जुड़ गए, वरना कुछ खास तो हुआ नहीं भाई। स्ट्रिंग्स टू बुक कह रहे सुशांत भाई।